और बाद में बताएंगे कि हमारा रिलेशन क्या है। चलिए जो दिख रहा है वो नान नहीं है, चावल के आटा का रोटी बना हुआ है और इसमें रिफाइन लगा हुआ है। बचपन का याद ताजा हो गया, बचपन में खूब खाते थे। और हमारी नाना जी भी खाएंगी, खाइए जी। हाय देख लो भजाए कितना अच्छा आवा था। हाँ जी, अब किया बा अपने वाला चावल का रोटी वो बोला पर तो हमारे चैनल पर पनीर का सब्जी। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ब्लॉगिंग का प्यार है, बट ऐसा नहीं है। कभी आप रियली में भी आके देखना हम लोगों के प्यार देख के मेरा भतीजा ताली बजा रहा है। मेरा भतीजा ताली बजा रहा है, बजाओ कुछ बजाओ। अरे देखिए देखिए मेरे भतीजा को ताली बजा रहा है, मम्मी बुआ के साथ में देख करके। अले अले बचाओ बचाओ बचाओ, अले 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 अले। देखे बताइए मेरा बेटा क्लास रो रही है, रो नहीं लग। और ये देखिए हमको पापा बोल दे किस संगल से हम जेंट्स मिलते हैं। हाँ ये है बाबू, मेरा बाबू ये है, ये भागना है। और मामी को पापा बोलता है, मामी में पापा में फर्क ही नहीं उसको समझ में आता है। ये बोल रही थी कि हम पापा है, ठीक है आप जब जॉब कीजिएगा पूरा पैसा मुझे दीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं किसी से मिलवाने वाली हूँ। ब्लॉग की शुरुआत में मैंने तो बताया ही था आपको कि हमारे घर एक मेहमान आने वाले हैं, आने वाली है या आने वाले हैं, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ और उनसे मिलवाने वाली हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, फेस रिवील करते हैं। और आई होप आप लोग तो इनको बहुत पहले से देखे होंगे और जानते हैं। तो ये पर्दा उठ गया है, मेहमान है इनकी ननद रानी और ये है मेरी भाभी। तो आप लोग जान गए होंगे कि हम दोनों में क्या रिश्ता है। अभी तक अगर नहीं जान रहे हो थे तो आप लोग जो मुझे फॉलो करते हैं मेरी भाभी को फॉलो कीजिए, जो मेरी भाभी को फॉलो करते हैं मुझे भी कीजिए, क्योंकि हम दोनों का अब साथ में बहुत सारी चीज़ें में हमेशा मिलते रहेंगे और बहुत चीज़ें साथ में। हम लोग का ब्लॉग भी आएगा और इनके चैनल पे बहुत अच्छे से बहुत प्यार प्यारे से ब्लॉग आने वाले हैं। इनके यहाँ कुछ नया खुशखबरी आया है और मेरे यहाँ भी कुछ स्पेशल है। तो हम दोनों के चैनल पे अभी बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। इनके यहाँ मैं भी जाने वाली थी साथ में, उस मैं इनको लेने के लिए ओकेजन में मैं भी रहती, बहुत अच्छा ब्लॉग बनता हम दोनों का। लेकिन मैं कुछ ऐसे आ गए सिचुएशन की मैं नहीं जा रही हूँ, तो दोनों का अलग अलग ब्लॉग आएगा। फिलहाल ये आज आई हैं हमारे घर, तो मौका मिला है इनके साथ ब्लॉगिंग करने का, तो ये मौका मैं जाने नहीं देने वाली थी तो इसीलिए। और ये इनके बारे में आज ये मेरे बारे में क्या कहती हूँ, मैं इनके बारे में क्या सोचती हूँ, अगर आप जानना चाहते हैं तो चलिए जान लीजिए। हम दोनों तो हमें इन्हें लेने के लिए आए हुए थे और आए हुए थे पर भाभी जा नहीं रही है किसी कारण से। और पहले से बहुत इसके लिए हम लोग बहुत सारे प्लानिंग करके रखे हुए थे, तो हम लोग दोनों साथ में मिलेंगे, बहुत सारे रील्स बनाएंगे, बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे, क्या क्या टाइटल तक हम लोग सोच लेते हैं। ये तो वो सब चीज़ तो नहीं हो पाया, पर कोई नहीं, आप लोग हमें हम दोनों को फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे भी अभी मतलब कुछ स्पेशल होने वाला है हम दोनों के घर में, तो बहुत अच्छे प्यारे प्यारे आप लोगों को ब्लॉग देखने को मिल जाएंगे। और हम दोनों अगर रिलेशन की बात करें अपने ननद भाभी की, तो हम दोनों ननद भाभी वाला जो होता है ननद भाभी की टसन वाली बात वो बिल्कुल भी नहीं है, वो सब बिल्कुल नहीं है। मैं इनकी छोटी ननद हूँ, ये मेरी बड़ी भाभी है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि हम ये बड़ी भाभी तो हमें कुछ ये चीज़ उनको नहीं बोलना चाहिए, या फिर छोटी ननद को सब कुछ बोला ही जाता है। तो ये भी हमारी ऐसी ननद है कि ननद वाला रिश्ता है ही नहीं,
मैं शुरू से ननद वाला रिश्ता रखी नहीं एक दोस्त की तरह, और जहाँ तक यूट्यूब पे आने की बात हो तो इनकी बदौलत मैं आई हूँ, क्योंकि यही बोलती थी भाभी बनाइए बनाइए बनाइए। ऐसे तो मैं मास्कॉम की स्टूडेंट थी लेकिन कभी यूट्यूब पे मैं ध्यान नहीं दी, लेकिन इनकी वजह से आज जो भी सब्सक्राइबर हुए हैं इनकी वजह से, आज जो भी कर रही हूँ जो भी काम कर रही हूँ इनकी वजह से कर रही हूँ। और जैसे हम दोनों का है ननद भाभी का रिश्ता, आई होप आप लोग का भी ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि क्या है यार दो लोग हैं अच्छे से मिलते अच्छे से बात करते क्या लेना है। हम सब मतलब किसी न किसी के ननद है किसी न किसी के भाभी हैं, तो बस इनकी भी ननद होंगी हमारी भी ननद है हम भी भाभी हैं इनकी ये भी भाभी है। हाँ तो क्या टसन बना करके रखने से क्या होता है, रहना तो अपने अपने घर में ही है तो बस दो चार दिन के लिए आना जाना होता है, तो आपस में प्यार बना करके रखें, इंसानियत और बातचीत जो होता है अपनापन की जो अपनेपन की जो बात होती है ना वो ज्यादा जरूरी है। क्या मिलता है नहीं मिलता है वो सबसे कुछ मायने नहीं रखता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे भी मैं इनको कुछ नहीं देती जो भी है यही देती है। और अभी मैं फाइनली सच्ची बात बताऊं, अभी जो मैं सूट पहनी हूं ये लाई भी और मैं इनसे सिलवाई भी, मैं कोई बात नहीं मतलब सेम सेम है, आप अपनी ननद की दी हुई पहनी है और मैं अपनी ननद की दी हुई पहनी ननद दी है मुझे, तो सेम सेम है हर कोई की, मतलब रिश्ता एक तरफ से नहीं निभाया जाता हर तरफ से निभता है, तो एक मतलब चेंज चलता है इंसानियत के हर कोई मतलब अपने फैमिली का चेंज चलता है। हम जैसा कर रहे हैं जरूरी नहीं कि हम जैसा कर रहे हैं मेरे फैमिली हम अपने ननद के साथ ऐसा कर रहे हैं तो मेरे फिर साथ वैसा हो, पर हाँ एक चीज होता है कि अपने से अगर आप अच्छा से चल रहे हो ना आप अच्छा कर रहे हो ना दूसरे के साथ तो उम्मीद है आपके साथ भी अच्छा ही होगा। तो ये हमारी ननद और ये हम हैं, और बाकी ब्लॉग में दिखाएंगे कि रात भर में क्या करते हैं, क्योंकि बेड भी हम लोग एक दूसरे का शेयर करने वाले हैं, तो रात में क्या आता है फर्स्ट नाइट को बेड से भाई ससुराल का पहला दिन हमारी ननद के पहला नाइट ननद के साथ गुजरा था, आज ये भी रिवील हो जा रहा है क्योंकि हमारे मतलब कुछ गलत समझे से पहले बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिवाज है ना कि दो तीन दिन शायद चौठारी पहला दिन क्या होता है ना यहाँ पे होता है कि चौठारी के दिन से हस्बैंड वाइफ साथ में होते हैं तो साथ में कोई होना चाहिए ना, तो मैं चहती ननद हूँ और हाँ अब ब्लॉग में मैं बता रही हूँ मैं इनकी अपनी भाभी आप लोग बुरा मत भाड़ा पक्ष कर रहे हो नहीं मैं अपनी भाभी हूँ और एक मेरी प्यारी सी ननद उनसे भी मैं मिलवा देती हूँ। ये है हमारी प्यारी सी ननद जो कि मेरे हर वीडियो को सबसे पहले लाइक करती है और कमेंट्स करती है, और इनका नाम है सैनवी, बताइए जी। हेलो क्या भी बोल भारत माता की जय। मेरी शादी में डोली जब आ रहा था तो ये लोग भारत माता की जय सरस्वती माता की जय लगाई हुई कुछ बोलिए जी भैया के मेरे चैनल के बारे में कुछ बोल दीजिए। और हाँ छट का ब्लॉग जो आप लोग देख रहे हैं अभी भी देखते होंगे तो सारा ब्लॉग की शूट यही की थी इनकी बदौलत, उतना अच्छा ब्लॉग बना था मेरा तो सारा क्रेडिट इनको जाता है। ये बहुत अच्छा वीडियो शूट करती हैं, एकदम कैमरा हिलाती नहीं है। अगर आप लोग को कैमरामैन की जरूरत हो तो हम कॉन्टेक्ट डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे, आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। पता चलेगा कि सब वीडियो बनाने के लिए लाइन मारने के लिए ज्यादा नंबर बोलिए। तो अभी बज रहा है सुबह के 8 बजने को है, 8 बजे हम लोग को निकलना है यहाँ पर। अभी मैं रेडी हो गई हूँ, खोंचा भी रेडी है, भाभी रख ली हूँ और भाभी भी आ रही है और बाकी सब लोग रेडी हो गए, तो चलती हूँ मैं नीचे। भाभी भी आ ही रही है नीचे, टोपी बउआ का थले ली। हाँ जी आइए चलिए ना चलिए साथ में चलिए।
अब बस एक रात के लिए आया था, बहुत जल्दी ले रहे हैं विदा क्योंकि हर चीज अपनी मर्जी से नहीं हो पाती है। बाय बाय, एक दिन के रौनक थे एक ही दिन के।